घूमते समय ये एक और देखिए क्रिएचर मेरी नज़र में आ गया और मैंने सोचा इस पर भी एक वीडियो क्रिएट किया जाए। तो ये वीडियो में आप देख रहे हैं एक बहुत ही शॉक्ड एनिमल है और इसका जो ताल्लुक है वो फाइलम एनिलिडा से है। ये देखिए आगे की तरफ दो, पास से दिखाएंगे, ये देखिए एंटनी या टेंटिकल निकले हुए हैं और ये इनके सेंसरी ऑर्गन होते हैं। बॉडी के बीच में व्हाइट कलर की एक स्ट्रैप्ड है मिडिल लाइन में, ये देखिए सफेद रेखा, और ये चलते समय पीछे एक मिट्टी की खांच बनाता हुआ जाता है, हम दिखा रहे हैं, ये देखिए मिट्टी पीछे एक खांच बनाता जा रहा है, ये देखो, और इसमें एक धागा सा निकलता है श्लेष्मक का और ये जाता हुआ स्लग। इसको लोग मिस अंडरस्टैंडिंग में जोंक समझ लेते हैं, लेकिन ये जोंक नहीं, ये स्लग है। और मानवीय भूल के कारण मैंने इसको पहले बता दिया कि ये एनिलिड नहीं बस बल्कि ये मोलस्का फाइलम में आता है। सेल लेस है, जिसमें कोई बाहरी कवच या खोल नहीं, जैसा कि आपने देखा होगा सीपी और घोंगा में ऊपर की तरफ एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच पाया जाता है जिसको सेल कहते हैं। इसमें कोई एक्सटर्नल सेल नहीं होता है और ये मॉइस्ट और वार्म प्लेसेस पर देखने को मिलता है जहाँ नमी होती है, खास तौर से भोर के समय में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये देखिए नॉन पॉइजनस और ये बगीचों एवं फसलों को नुकसान पहुंचाता है, उनकी जड़ों को स्टेम को काट देता है, हर्बीवोरस है और ये शुष्क इलाका में कम मिलता है। फॉरेस्ट एरिया में मैंने इसको बहुत ही कम रेयरली देखा है, लेकिन मॉइस्ट एरिया जहां होते हैं खास तौर से बगीचों में, खेतों में, खलियानों में और रास्ता में जहां नमी होती है वहां ये देखने को आसानी से मिल जाता है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को देख करके ऐसे ही तरीका के एनिमल्स को जानने के लिए लुत्फ उठाएं। मैं डिस्कवरी ऑफ वाइल्ड नेचर चैनल से CP यादव।